सरकार गिरा नहीं पाए अमित शाह जी और मोदी जी, सब सरकारें गिर गई, मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया, कर्नाटक गिर गया, 10-10 करोड़ रुपये मिल रहे थे, 10 करोड़ रुपये कौन छोड़ना चाहेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है। भाजपा की पहली लिस्ट आने के बाद से कांग्रेस में बवाल मच गया है। कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। कई चरण के बाद सबकी उम्मीद कल 18 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाए। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर सभी ताजा अपडेट आए हैं। अशोक गहलोत ने नया जवाब दिया है। टिकट फाइनल होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्टेट कमेटी की बैठक हुई है और कल सीईसी बैठक होगी, उम्मीद करते हैं कि उसमें नाम स्पष्ट हो जाएं। यह हाईकमान तय करता है कि घोषणा कब करनी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे पूरी संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 18 अक्टूबर को आ जाएगी। देखिए, ओपन माइंड है, विजिबिलिटी देखी जाएगी, उसके आधार पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। नंबर दो जो है, ये इतना अफवाह फैला रखी थी कि अच्छा काम किया सरकार ने, अच्छी स्कीमें सरकार की हैं, मुख्यमंत्री से हमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे कामों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी स्कीमों की तारीफ तो राहुल गांधी जी भी करते हैं, खड़गे साहब भी करते हैं। राजनीतिक तौर से चर्चा इसलिए आ गया, सरकार गिरा नहीं पाए अमित शाह जी और मोदी जी, उसके बाद में राजस्थान का ऑरा जो है देश के अंदर वो बहुत अलग ढंग का बन चुका है देश के अंदर, क्योंकि सब सरकारें गिर गई, मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया, कर्नाटक गिर गया और यहाँ नहीं गिर पाई। उसका श्रेय कल कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किसको दिया, यहाँ की जनता को दिया है। अगर जनता हमारे खिलाफ होती, अगर जनता का रुख हमारे साथ नहीं होता उस वक्त में, आधे MLA निकल जाते। MLA भी जनप्रतिनिधि है, वो जनता का मूड देखता है। नंबर दो, अगर मैं लालच होता, 10-10 करोड़ रुपये मिल रहे थे, 10 करोड़ रुपये कौन छोड़ना चाहेगा। आरोप लगाना बड़ी आसान बात है कि करप्शन बहुत किया, बहुत आसान आरोप लग सकता है, किसी भी लग सकता है। आरोप आजकल तो जमाना आरोपों ही है, परंतु आरोपों को लगना अलग बात है और वास्तविकता अलग बात होती है। अगर ये करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपये इनको ऑफर हो रही थी पहले, जब गवर्नर साहब ने रेट दे दी HN बुलाने की, रेट बढ़ गई इनकी 10-20-30-40, बोलो क्या करना आपको। वो तीन चार लोगों की जरूरत थी उनको, टच एंड गो मामला था। पर आप देखिए कितनी बड़ी गुडविल थी सरकार की और किस प्रकार पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था। MLA को टेलीफोन आ रहे थे, अगर आपको 6 महीने रुकना पड़े होटल के अंदर, आप रुकिएगा, सरकार किसी कीमत पर नहीं गिरनी चाहिए। टच एंड गो का मतलब समझ गया आप, मामूली सा अंतर था। उस वक्त में सरकार ने बचाई है। आज रात में सुनता हूँ प्लेटफॉर्म पे जो डिसीजन होते हैं सत्य हिंदी और सबके, वो रास्ता में चर्चा इसीलिए करते हैं, सरकार बच कैसे गई यहाँ पर। जब महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, कॉमर्शियल कैपिटल है देश की, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर है, सरकार नहीं बचा पाए। कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा दी गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई, 15 साल के बाद में सरकार बदली, गिरा दिया गया, और राजस्थान की सरकार नहीं गिरी। आज मैं खुद चर्चा में हूँ देश के अंदर, मेरी सरकार चर्चा में है, कांग्रेस चर्चा में, राजस्थान की कांग्रेस इसीलिए चर्चा में, और कैसे रहता है यहाँ की जनता को, आम जनता को। ये जनता बदला लेके रहेगी BJP से, जिन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किए। जितनी बार वो लोग आएंगे सरकार गिराने के षड्यंत्र में, आपका यहाँ का मंत्री शेखावत भी शामिल था, वो भी शामिल था, धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे, अमित शाह जी शामिल थे, प्रधानमंत्री का क्या आशीर्वाद था नहीं था मुझे नहीं मालूम, पर जिस प्रकार का जो ओरा इन्होंने किया, और वो वोट मांगने आएंगे तो लोग याद करेंगे ये वही लोग हैं जो हमारी चुनी सरकार को गिरा के राजस्थान वासियों की बेइज्जती कर रहे थे, उनको बख्शने वाले नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ।
इतने शानदार इस बार जनता तय कर चुकी है कि चाहे लाख कमी होगी हमें फैसले करती हैं पॉलिटिक पार्टियां, टिकटों में हो, मैनेजमेंट में हो, कैंपेन में हो, कई कमी रहती है, इस बार कमियां तमाम दरकिनार रहेगी और जनता यहाँ की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस, हमारी स्कीमें, बेनिफिशरी का जज्बा, हौसला और महंगे राज शिविर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजना, सड़कों की, सोशल सिक्योरिटी, 1000 रुपये पेंशन, लोग भूल नहीं सकते इनको। तो जानते हैं ऐसी सरकार की योजनाएं देश में किसी राज्य में नहीं है। अगर ये दावा हम लोग कर रहे हैं, हमारा खड़गे साहब कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 25 लाख बीमा, प्रधानमंत्री पूछो, आप यहाँ आगे कैंपेन कर रहे हो, कम से कम हमारी स्कीमें जो है OPS हमारी है, आप डिक्लेयर करो OPS को, 25 लाख का बीमा डिक्लेयर करो, शहरी रोजगार योजना कहीं नहीं देश के अंदर, एक दो राज्य में होगी मुश्किल से, उसको डिक्लेयर करो, सोशल सिक्योरिटी डिक्लेयर करो, जो हमारी योजना चल रही है पहले आप डिक्लेयर करो, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार डिक्लेयर करे, उसके बाद में आगे वोट मांगने हक बनता है। मतलब चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री चले जाएंगे, चुनाव के बाद में मोदी जी नहीं आने वाले हैं, तो फिर ये काम कौन करेगा? विकास का काम कौन करेगा? जनता पूछती है इन सबसे। और गायों की जैसे हमने सेवा करी है, कल मैं डिस्कशन सुन रहा था सत्येंद्र का, 500 करोड़ मुश्किल से खर्च किए वसुंधरा जी ने पिछली बार, 3000 करोड़ खर्च किया हमने, 3000 करोड़ खर्च किए, गौशालों को अनुदान दिया हम लोगों ने, नंदीशालों को अनुदान दे रहे हम लोग, लंबी रोग में गाय मर गई, देश में किस राज्य ने पैसा दिया है? हमने एक एक गाय का 40,000 रुपये दिए हैं, एक गाय मरने पर 40,000 रुपये मिले हैं पशुपालकों को। हिंदुस्तान में कहाँ मिले बता दीजिए, मेरे को कितने मिले पता कर लीजिए। आगे बीमा कर दिया हम लोगों ने गायों का भी, ये गोभक्त वो बनते हैं, काम हम करते हैं, वो खाली गोभक्त बनते हैं वोट लेने के लिए, जनता इस बात को समझती है। मंदिरों में हम निर्माण करवा रहे हैं, सबकी हमने मानदेय बढ़ा दिया है, पुजारियों का मरम्मत का काम 500 मंदिरों को हम कर रहे हैं, गोविंद जी मंदिर में 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करके, हम हिंदू नहीं है क्या? जनता ने सवाल पूछेगी, भाई आप ये बातें करते हो, ये सरकार तो आपसे ज़्यादा काम कर रही है, इन बात क्या जवाब बताओ? आज जो नेता बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा, कृपा करके इन बातों का जवाब दे जो मैं बोल रहा हूँ। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, मंदिरों के लिए धार्मिक यात्रा करना, 1 लाख लोगों ने डिक्लेयर किया है तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की, 40,000 लगभग हो चुकी है तीर्थ यात्राएँ, पशुपतिनाथ मंदिर तक भेजते नेपाल के अंदर हवाई जहाज से। तो मुझे बता दीजिए, पूछो, जो काम हिंदुओं के लिए हमने किया है आपने किया है क्या? आप किस मुँह से वोट मांगोगे आप हिंदुत्व के नाम पर? तो ये पोल खुल रही है। अब ये खाली ED इनकम टैक्स CBI इनके पास रह गई है, जनता इनके साथ नहीं रही। अब इनकम टैक्स CBI और ED, मीडिया में खबर वही आएगी, RED पहुंच चुकी रात को, कल छापे पड़ने वाले हैं, ये खबरें आती रहती है। सरकार बचाने क्रेडिट सर आपने 102 विधायकों को दिया था, टिकटों के अब चयन का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा? देखिए विनिबिलिटी सबको देखी जाएगी, कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, उनका मैं नहीं कह सकता कि जो सर्वे में नाम क्या आएगा उनका क्या होगा, पर अधिकांश मैं मानता हूँ सब विधायक कोई करप्ट नहीं होते, जो काम हमारे वहाँ हुए विधायक के थ्रू है ना। आज हमारे कामों की तारीफ हो रही है, वो काम किसने करवाया क्षेत्र में? आज गुड गवर्नेंस, महंगे राज शिविर, कॉलेज खोल दी, IIT खोल, ITI खोल दी, मान लीजिए सड़कें बना दी, तहसील बना दी, नगर पालिका बना दी, जो मांगा मुझसे मैंने दे दिया।